द्वारा जुड़ रहे हैं। मेरे साथ मोना आलम है, पाकिस्तान से, पाकिस्तान की जानी मानी पत्रकार है और उनकी डिफेंस पर अच्छी पकड़ रखती हैं। डॉक्टर संबित पात्रा है जो कि रूलिंग पार्टी इंडिया के प्रवक्ता, और सबसे पहले मोना आलम आपसे सवाल पूछता हूं। देखिए, लगातार सीज फायर का उल्लंघन होता है, लगातार पालतू आतंकी उस तरफ से इस तरफ आते हैं, उसके बाद आप बोलते हैं कि आखिरकार बयानबाजियां बंद हो जानी चाहिए। कैसे हो पाएंगी ये बंद? सुधरने का नाम नहीं लेता वो मुल्क, जो मुल्क इस समय दुनिया के आगे हाथ फैला के खड़ा है कि हमारी मदद करो। बहुत शुक्रिया अमीश, पहले तो कि आपने इस मौके पे पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव के लिए बुलाया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके ही प्रोग्राम पे ये खुलासा हमने किया था, और बल्कि मेरी ही मुबारक जबान से हुआ था। मैंने आपको कहा था कि हम डोनाल्ड ट्रंप को लात मारेंगे, और अगर आपको वाकई लगता है कि पाकिस्तान खैरात लेता है, या आपके जो साथ चिपके हुए डोनाल्ड ट्रंप या ये जो शैतान मुल्क इसराइल है, इनके नेतन्याहू जो शैतान इंसान के भेस में है मौजूद आपके मुल्क में इस वक्त, अगर आप में से किसी को भी ये लगता है कि पाकिस्तान किसी भी जकात का या खैरात का मुस्तहक है, तो आपको मैं बताती चलूं कि आप लोग काफी दफा हमारी जीडीपी को भी मिसकोट करते हैं। 5.3% पर हमारी ग्रोथ जा पहुंची है, 4 गुना आपका रकबे में साइज ज्यादा है इंडिया का। आप लोग दुगनी ग्रोथ भी नहीं कर पाए, आप अभी तक 7% पे अटके हैं। मुझे लगता है मुकाबला करेंगी, भारत का खड़ा और आपका खड़े, अगर आप इस पे मुकाबला करेंगी तो आज हो जाए दो आतिशी पर कि भारत, फिर मैं बोलूंगा तो बात बहुत दूर तक जाएगी। भोंडे प्रोपेगेंडा के बावजूद, भोंडे प्रोपेगेंडा कौन करता है सबको पता है, हाफिज सईद किसका लेता है सबको पता है। आप लोग अमेरिका और इसराइल जैसे शैतान ममालिक के आगे आप लोग बिछे जा रहे हैं, आपकी खुशामदें खत्म नहीं हो रही। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हम आप लोग क्यों इतना डरते हो? पहली दफा हमने अमेरिका को, कोई दुनिया भर में ऐसा मुल्क पैदा नहीं हुआ, वो पाकिस्तान मुल्क वाहिद है जिसके ऊपर तारीख लिखी जाएगी। प्रोग्राम पे मैंने आपको बताया था और नाउ इट इज डन। इंडिया में कहावत है कि सूर्य की तरफ मुंह करके, मतलब सूरज की तरफ मुंह करके थूकने से जानती है थूक कहां गिरता है। खैर, ये डिबेट की बात, जरा एक्सपेरिमेंट करेंगे आप, आपके यहां शायद चांद निकला होगा, वहां ऊपर मुंह करके डोनाल्ड ट्रंप नहीं, नहीं, नहीं आप चांद की तरफ मुंह करके थूकिएगा, फिर देखिएगा थूक कहां जाएगा, मैं बताऊंगा नहीं। आप कॉफी पीजिए मैडम प्लीज, दूसरों को बोलने दीजिए, आई एक्सपेक्ट सम कर्टसी ऑफ लेडी। आप अपना दिमाग, पैसा और ताकत अपने मुल्क के अंदर लगाएंगे तो आपका मुल्क बच जाएगा। हालांकि मैं ये पूछना तो भूल ही गया, इमरान खान का मामला सेटल हो गया पाकिस्तान के अंदर अब? क्योंकि तो पिछले 3 दिन से तो इमरान खान पर ही आपके यहां डिस्कशन हो रहा है, इमरान खान ने चौथी शादी करी या नहीं करी। तो दिमाग अपना इमरान खान की शादी पर और बाकी जगह लगाइए, या आतंकी भेजने में मत लगाइए। पहली तो बात यह है कि आप पता नहीं इंटरेस्ट कितना लेते हैं, इमरान खान की शादी से जेले सोने की कोई जरूरत नहीं है, वो शादी करें, तलाक दें, हमें चिंता है। वो राम रहीम सिंह जो एक नंबर का रेपिस्ट है, आपके यहाँ जब अदालत उसके खिलाफ फैसला देती है तो सारे लोग सरापा एहतजाज उसके लिए निकल आते हैं, कोई उनके लोगों को शर्म और हया नहीं है कि एक रेपिस्ट, एक मोलेस्टर। अरे आप बात करिए ना, आप बाहर, हमें राम रहीम का शोकर हमने कर दिया है, आपको इमरान खान का जो करना करिए, अगर वो भी वैसे ही है तो करिए, आपको जो करना है इमरान खान का। आप डिबेट के मुद्दे पर आइए ना, पॉलिटिक्स में आपका इंटरेस्ट इससे जाहिर होता है। आपके नरेंद्र मोदी जाके गुजरात पोल्स में, उनको हारने का खौफ आता है, वो कहते हैं पाकिस्तान ने रिग कराए इलेक्शन। जी राइट, पहले तो मैंने पूरी बात सुनी है और बड़े एहतराम के साथ आरएसएन साहब कह रहे हैं कि जी कोई नेक्सस है और पता नहीं क्या हो रहा है। आप लोग खुद वैसे बहुत अपने नैरेटिव में कंफ्यूज नजर आते हो अमीश, पहली तो कभी आप सच करके बताते हो कि आपने हमारे 7 लोग मार दिए, सच आप बताते नहीं हो कि आपने 4 पहले मारे हैं, आपने एक 65 साल खातून को, 65-year-old ओल्ड वुमन, आप लोगों की फायरिंग से निहत्ते आम शहरी यहां पर हलाक हो रहे हैं। देखें, ये कोई जश्न की बात नहीं है, एंड इट इज अ मैटर ऑफ शेमलेसनेस, ये सॉरी स्टेट है, हम सबको इस बात पे, मैं कहती हूँ किस बात की शेमलेसनेस, हम किसी की किसको शेमलेसनेस कह रही है, हम लोग किस बात को कह रही है, आप हमारे फौजियों को मारेंगे और हम देखते रहेंगे। मोना आलम, अब आप सुनिए, आपकी बात सुनी गई ना, संबित पात्रा रिस्पॉन्ड सुनिए, मैं सुन रही हूँ। You don't have patience to listen to me for even a few seconds, sir. बात ये है, आप देख रहे हैं, आप यहीं से ज्यादा शुरू हो गई है, 40 सेकंड आपने मुझे दिए उनकी इतनी लंबी तकरीर के, जो वो पता नहीं कहां से लिखवा के लाए हैं, और बिल्कुल फज्ड,
वॉशिंग मशीन की दुकान। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ना शायद एक स्कूल भी खोला होगा जहाँ वो आपकी जनरल बिपिन रावत को शायद पढ़ा लें। निकालिए ना मैडम, आई डोंट नो, आप मेरी बात सुने सर, आपके जनरल बिपिन रावत, उन्होंने मुझे यकीन है कुछ अपना इंटरमीडिएट या मैट्रिक कुछ तो पढ़ा होगा, वो न्यूक्लियर वॉर की बात पहले आप ईमानदारी से बताइए, उन्होंने किए पहले या हमने किए, ये आए किए पहले बात, ये आए हैं आप मुझे ये बताए थर्मोमीटर लेके देखने के लिए, आप मुझे ये बताएं छोड़े आप कौन कितना पढ़ा है, हमारे आपके प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे कातिल हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर इंजीनियर हैं, इसी से जाहिर हो जाता है। ऑब्जेक्शन, अरे भैया भी आपको बहुत कुछ कहते हैं, हम भी आपको बहुत बदले में करप्शन का खलिस्तान अमीश तो निकल गए वो, नवाज शरीफ को हमने सर पे तो बिठा के नहीं रखा है, आपके तो वहां पर वो जो आपके गुजरात में मुसलमान